27 अक्टूबर की ये तारीख है पीओ के वापसी के संकल्पों वाली दिवाली की। अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। 27 अक्टूबर की वो तारीख थी पाकिस्तानी कबायलियों के जुल्म के खिलाफ कश्मीर में भारतीय सेना के पहले कदम को रखने की। तब कूटनीतिक गफलतों के चलते हमने पीओके से अधिकार खोया था। अब देश ने ठाना है कि पीओके को वापस लाकर जम्मू कश्मीर का अखंड नक्शा बनाना है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। 27 अक्टूबर की इसी तारीख को दिवाली का जश्न है, इंडियन आर्मी का इन्फेंट्री डे भी है, और शुभ संयोग ये कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ के पास पीओके वापसी का प्लान भी तैयार है। सरकार का एक इशारा और पीओके हमारा। Why is it that Pakistan has suddenly awoken up and has raised the ante on Article 370? It is because this illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. POK is actually a terrorist-controlled country or a terrorist-controlled part of Pakistan. अब तो भारत ही क्या, पाकिस्तान में भी पूछने लगे हैं लोग कि क्या अगली दिवाली होगी पीओके वाली। 1947-48 में जब कबायली पूरे कश्मीर में कोहराम मचा रहे थे, तब आखिरकार उनसे मुकाबला न कर पाने की सूरत में कश्मीर के राजा ने भारत से राज्यारोहण की जो दस्तावेज थे उन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना ने फैसला किया कि वो जल्द से जल्द पहुंचेगी कश्मीर, और अगले ही दिन वो पहुंच गए यहां पर। जिस रेजिमेंट की बटालियन को सबसे पहले यहां पर भेजा गया वो थी सिख रेजिमेंट, और सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन यानी फर्स्ट सिख 27 अक्टूबर को कश्मीर की धरती पर पांव रखने वाली पहले सैनिक थे। कश्मीर की धरती पर भारतीय फौज के ये पहले कदम कश्मीर की रक्षा के लिए। पाकिस्तान को धूल चटाने वाली भारतीय फौज की ये हुंकार कश्मीरियत की रक्षा के लिए थी। भारतीय फौज का ये पराक्रम जम्मू कश्मीर के बच्चों और औरतों पर होने वाले बर्बर पाकिस्तानी जुल्म का जवाब देने के लिए था। उन्होंने रेप किया, लूट किया और पॉपुलेशन को तंग किया, हैरेसमेंट किया, तो उससे पॉपुलेशन यकीनन पाकिस्तान सेना के बरखिलाफ हो गई, और जब उनके बरखिलाफ हो गए तो उन्हें रियलाइजेशन हुई लोकल पॉपुलेशन को कि हमारे सेवियर तो भारत सेना है, और अगर भारत सेना हमें बचा रही है तो हमें भारत सेना की मदद करनी चाहिए। जो हमारे हिम्मत थी, जो हमारे लोगों की, रिफ्यूजियों की, जो जिनमें रिटायर्ड फौजी भी थे सेकेंड वर्ल्ड वार के जो लड़े हुए थे, उन्होंने भी अपनी फौज का शाना बशाना साथ दिया। वहाँ के अवाम ने फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डिफेंस किया, और ये जो 1.5 किलोमीटर के एरिए में मरकूज हो चुका था पुंछ शहर, उसको 13 महीने तक उसका जो था वो दिफा करके रखा। 1947 से 2019 तक जम्मू कश्मीर के 72 सालों का इतिहास पाकिस्तान की कुटिलता, क्रूरता और कायरता का इतिहास है। आज पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर के मुद्दे पर मक्कारी के आंसू रोता है, हिंदुस्तानी फौज को बदनाम करने की झूठी साजिशें रचता है, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान का पूरा चरित्र कश्मीरियों के खून और आंसुओं में डूबा है। यहाँ पर और भी शैल गिरे थे। बेहसाब जी, बेहसाब, बेहसाब, आवाज ही आती थी, और हम तो बाद में कान भी बंद हो गए, बच्चों को
के आगे, कानों के आगे हमने हद दबाए हुए थे छोटे बच्चों के कान के, कहीं ये हार्ट अटैक ना हो जाए। इतनी भारी शर्म थी कि जिसका कोई हद तक हमने नहीं देखा, आज तक नहीं देखी है। आपके ये दोनों बच्चे हैं? जी जी, ये मेरे बच्चे हैं। कितने साल के? ये एक 2.5 साल का है, एक 4 साल का। तो शेलिंग कितने बजे हुई? और शेलिंग हुई रात को 10 बजे और 2:30 बजे खत्म हुई। तो अचानक 10 से 2:30 बजे तक रात में? जी जी, 10 से 2:30 बजे तक चलता रहा अचानक। तो हमारे ये बच्चे थे और घर में बड़ा कोई नहीं था, अचानक खुदा ने हमको बचा लिया। तो ये ऐसे कांच टूटा होगा तो बच्चे तो बहुत डरे होंगे? बच्चे बहुत डर गए थे, इनको वो हो गया था ना, बुखार हो गया था, ये बहुत डर गए थे अचानक। हमको भी अभी बहुत डर लगा है वो देखकर। तो अब पूरा मकान डैमेज हो गया हमारा। आज पाकिस्तान का एक एक पाप दुनिया को गिनाएंगे। कश्मीर में भारतीय सेना को लेकर पाकिस्तान की तरफ से फैलाए भ्रम को चूर चूर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना कश्मीर में कश्मीर की पुकार पर पहुंची थी। 47-48 के युद्ध में भारतीय सेना को कश्मीरियों का साथ मिला था। और आज ये भी दिखाएंगे हम क्यों कह रहे हैं कि अगली दिवाली क्या वाकई होगी पीओके वाली। ये 370 हटने के बाद का कश्मीर है। जिंदगी अपनी रफ्तार से, शांति से और सम्मान से चल रही है। और ये पीओके है, भारत के जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। दुनिया ये दोनों तस्वीरें देखे और तय करे कि जन्नत कहां है और दोजख कहां। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब भारत आजाद हुआ और धार्मिक आधार पर उसका एक टुकड़ा अलग होकर पाकिस्तान बना। बंटवारे के समझौते के अनुसार रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय का फैसला करना था। जम्मू कश्मीर के महाराज ने स्वतंत्र रियासत के रूप में रहना स्वीकार किया। अक्टूबर 22, 1947 पाकिस्तान ने आक्रांता कबायलियों को जम्मू कश्मीर में घुसा दिया। फिर कश्मीर में जो हुआ वो पूरी मानवता के लिए शर्मसार करने वाला है। पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने कत्लेआम शुरू किया जिससे पूरी घाटी कराह उठी। लूटपाट के साथ महिलाओं की अस्मत तार तार करते हुए पाकिस्तानी कबायली आगे बढ़ने लगे। पूछेगा कि क्या उस समय उनकी उम्र थी और उस समय क्या देखा था? दोनों ठीक है, ठीक है। ییمہ سات کبل ریڈ یور آیا تم سات کچ وری مت کیا کیا وچھ چھ تم سات ہن سم باس اس پات وقت پاکا تو من دوستا پات پات اس اس پاکا تو من یہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم نے سنا کہ قبالیز یہاں پر بارہ ملا میں جو ہے انٹر ہوئے تو اس ٹائم ان کی ایج اتنی ہی مطلب بڑی نہیں تھی مگر اتنی سوچ سمجھ تھی کہ غلط کیا ہے اور کیا صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پہ انہوں نے کشمیری پنڈت جو ویمنز تھے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں اور لوٹیرے تھے وہ ٹھیک ہے تو لوٹ مار کی ہے اور وہ لوگوں کے جو لوگ چرواہے تھے جو ان کے ڈنگر ہوا کرتے تھے بھیڑ بکریاں اسپیشلی بکریاں وہ چوری کرتے تھے اور وہ سیدھا وہیں پہ بکریوں کو کاٹ کر وہ اپنا وہ جھنڈ بنا کر وہ کھاتے تھے جب کشمیر کے مہاراج کو لگا کہ جموں کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا تب انہوں نے بھارت سے گہار لگائی کہ وہ ان کی مدد کرے بھارت نے جموں کشمیر کو بھارت میں ولے کا پرستاؤ دیا تاکہ اس پر کسی سمپربھتا والی ریاست میں اپنی سینا کے ہستکشیپ کا الزام نہ آئے ستائیس اکتوبر 1947 یعنی آج ہی کے دن کشمیر کا بھارت میں विलय हो गया। अब जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। भारत ने चंद घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर में अपनी सेना उतार दी। ये कश्मीर की पुकार पर कश्मीरियों की रक्षा के लिए कश्मीर में भारतीय सेना के पहले कदम पड़ने की तारीख थी। भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 में को श्रीनगर पहुंची। फर्स्ट सिख वन सिख जो पहली यूनिट थी जो यहां पर पहुंची और उन्होंने श्रीनगर बारामूला
रोड के ऊपर कबाइलियों को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। तारीख 27 अक्टूबर की, भारतीय सेना ने जब कबाइली आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने सेना के साथ कदम से कदम और दिल से दिल मिलाकर मुकाबला किया। हर आम कश्मीरी खास बनकर भारतीय सेना के साथ पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया। इन्हीं में से एक थे 19 साल के नौजवान मकबूल शेरवानी। बहुत अजीब सी चीज है ये कि जो सहूलियत का इतिहास है उसे जिंदा रखने की कोशिश होती है और जो इतिहास आपको सूट नहीं करता है यानी जो हकीकत है उसे भुला देने की कोशिश की जाती है। दरअसल जो कश्मीर को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाता है उसके पीछे भी सच्चाई यही है। हम इस समय बारामूला के बहुत ही मशहूर बहुत लोकप्रिय शेरवानी हॉल में मौजूद हैं जहाँ पर तमाम तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं। इनकी जो कहानी है किस तरीके से 1947-48 में न सिर्फ ये बल्कि बाकी आम नागरिक के यहाँ पर जो थे जिन सब का नाम यहाँ पर लिस्ट किया गया है ये सारे खड़े रहे थे पाकिस्तानियों के खिलाफ हिंदुस्तान के साथ, लेकिन कहानी का ये हिस्सा आपको बताया नहीं जाता है जो हम आज आपको बताते हैं। जिस जिस्म पर इतनी बर्बरता हुई वो जिस्म कश्मीरी था, जो खून बहा वो खून कश्मीरी था और जिसने ये काम किया वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी सेना का पिट्ठू था। हमारे मकबूल शेरवानी साहब जो शहीद हुए हैं और आप ये देखिए उसको किस तरह से शहीद किया गया, उनके इंटेंशंस देखिए। आप कोई भी इंसान इस हद तक गिर सकता है जो आप कील लगा के इस बेदर्दाना तरीके से ऐसे मारते हैं? और ख़ासकर मैं मकबूल शेरवानी साहब को आज श्रद्धांजलि पेश करता हूं और जो हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जो उस लड़ाई में शहीद हो गए और तमाम जो हमारे फौजी जवान वो शहीद हुए उनको मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूं, उनको मैं सलूट पेश करता हूं। हाथों में मशीन गने मोर्टार और बंदूकें थामे कबाइलियों ने नगरों दोमल और मुजफ्फराबाद पर पहला आक्रमण किया था और धीरे धीरे गिलगित स्कारदू हाजीपीर दर्रा पूंछ राजौरी होते हुए पीर पंजाल से होते हुए श्रीनगर पर कब्जे की योजना बनाई थी। लेकिन 19 साल के मकबूल बिना डरे बर्बर पाकिस्तानी सैन्य आक्रमणकारियों के सामने जा डटे। भारतीय सेना 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में उतरी थी लेकिन मकबूल ने 22 अक्टूबर को बारामूला में ही पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को यह कहकर रोक दिया कि श्रीनगर में भारतीय सेना पहुंच चुकी है। 19 साल के मकबूल बिना डरे बर्बर पाकिस्तानी सैन्य आक्रमणकारियों के सामने जा डटे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बारामूला के लोगों का हमेशा इंडियन आर्मी को बहुत साथ मिला है, हर कदम पर हम साथ हैं और हम सब ने मिलकर ना सिर्फ कबाइलियों का बल्कि आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, बहुत मुकाबला किया है और बारामूला को हमेशा प्रगति की राह पर आगे किया है। जो कश्मीरी मुसलमान है उन्होंने एक नारा दिया था कश्मीरी मुसलमानों ने कि हमलावर रहो होशियार हम है तैयार, ठीक है, ये कश्मीरी मुसलमानों ने नारा दिया था। और एक मिसेस कपूर थी और मिसेस जो मेहता थी उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कश्मीरी मुसलमानों ने हमको किस तरह से बचाया उन कबालियों से। तो और एक जो हमारी तब लोकल लीडरशिप थी उन्होंने एक नारा दिया था कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का नारा यहाँ से दिया गया था। और एक बार जब भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई तो उनके शौर्य के आगे पाकिस्तानी कबाइलियों के पैर उखड़ गए, वो भागने लगे। यही भारत से एक कूटनीतिक गलती हो गई। लगभग एक साल तक चले इस युद्ध के अंतिम दौर में मामला संयुक्त राष्ट्र चला गया और जनमत संग्रह की चाल में कश्मीर फंस गया। गिलगित बल्टिस्तान बालाकोट मुजफ्फराबाद मीरपुर जैसे इलाकों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा हो गया। इसी इलाके को आज पीओके कहा जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि अवैध कब्जों की मियाद हमेशा नहीं होती। भारत ने 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से बड़ी बाधा दूर कर ली है। अब बारी पीओके की है। पाकिस्तान को रह रहकर पीओके हाथ से फिसलने का डर सताने लगा है। ये सीरियस थ्रेट है इस मुल्क को और ये जंग खौफनाक हो सकती है। ये कन्वेंशनल आर्म नहीं होगी,
जो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि चार छह दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। भारत का यहाँ सवाल है, भारत ने कभी ऑफेंसिव नहीं रहा है। भारत का एक चरित्र रहा है कि भारत ने दुनिया के कभी किसी देश के ऊपर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी भी देश की एक इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। भारत का एक चरित्र है। लेकिन भारत की हमारी जो सेना है, जो आर्म फोर्सेज हैं, उनके अंदर वह कुवत है, वह ताकत है जो भारत को बुरी नजरों से देखने की कोशिश करेगा, उसका वह मुंहतोड़ जवाब दे सकते। दिस विल बी ए क्लियर कट एटॉमिक वॉर, और जिस तरह की जारियत होगी उस किस्म का असला इस्तेमाल करेंगे। पहली गोली हमारी सेना ने कभी नहीं चलाई है, लेकिन उधर से भी गोली चलाई गई है। आतंकवादी हरकतों को बढ़ाकर भारत को डिस्टर्बलाइज करने की, कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश हुई है, तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये ऐसी कोशिश बंद नहीं की गई और बराबर इस प्रकार की हरकत चलती रही तो लगातार हमारी सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी जब तक कि यह सिलसिला रुक नहीं जाता। बारामूला में जो मिशनरी थे, यहाँ पर पूरी दुनिया से, अलग अलग देशों से यहाँ पर सिस्टर्स आती थी और यहाँ के लोगों के उपचार के लिए यहाँ एक सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल है जो आज भी यहाँ पर है। लेकिन हम आपको एक बहुत अहम कहानी यहाँ पर सुनाते हैं और वो कहानी है सिस्टर एम टेरेसालीना की। इनकी मृत्यु की तारीख आप देखिए, 27 अक्टूबर 1947, जब वो केवल 29 सालों की थी। दरअसल कबायली जब दाखिल हुए बारामूला में तो लूटपाट करते हुए न मज़हब देख रहे थे, न उम्र देख रहे थे। कश्मीर से प्यार तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान जो अपनी तरफ से कहता है उसकी हकीकत आपको यहाँ पर नज़र आएगी। गोलियाँ चलाते हुए, लूटपाट करते हुए, महिलाओं से बदसलूकी करते हुए वो बढ़ रहे थे। लेकिन उस समय सिस्टर टेरेसालीना, जिनके शरीर में अनेकों गोलियाँ लग गई थी, उन्होंने उपचार की जगह ये चुना कि वो प्रार्थना करेंगी कि कश्मीर की बेहतरी हो, कम से कम वो लुटेरे, वो पाकिस्तानी जो घुस आए थे, वैसा भविष्य कश्मीर को नहीं चाहिए था। ये पाकिस्तानी नरसंहार का सबूत है और ये कब्र जीता जागता दस्तावेज है इस बात का कि पाकिस्तान को कश्मीरियों से नहीं, कश्मीर की जमीन से ही प्यार था, है और रहेगा। वरना और क्या बात हो सकती है कि पाकिस्तानी सेना के लुटेरों ने इन नर्सों को भी नहीं बख्शा होगा। यू स्टिल रिमेंबर व्हाट हैपेंड हियर इन 1947? ऑफ कोर्स इट इज, वी रिमेंबर एवरी पार्ट ऑफ इट बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ देम एंड वी ऑलवेज रिमेंबर देम। So is it with a sense, because the stories that we hear were stories of bravery of very young nuns who were here. I mean, what kind of people actually attack a hospital where people are being cured? I think that time itself the militancy started, I would say, because in at that time we were not even knowing what is all about, and we were all, I mean, people must be innocent people. बारामूला को 3 दिन तक पाकिस्तानी कबायलियों ने लूटा। उन्होंने न मजहब देखा, न हैसियत देखी, बस कत्लेआम मचाते रहे, औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। यहां हमने जिस मिशनरी अस्पताल से सिस्टर टेरेसालीना के कत्ल की कहानी आपको सुनाई, वहां पाकिस्तानी कबायलियों ने नंस के साथ भी अत्याचार किया। आज यही स्थिति पीओके की। पाकिस्तानी सेना के क्रूर सैनिक पीओके की जनता के अधिकारों को बूटों तले कुचल रहे हैं। उनकी महिलाओं की इज्जत तार तार होती है। आवाज उठाने वाले लोगों को मिलते हैं लाठी, डंडे और गोली। अक्टूबर का दिन इस मुजफ्फराबाद के लिए हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि 22 अक्टूबर 1947 को इसी शहर को ताराज किया गया कबायली हमले के जरिए से। आज का दिन योम स्याह है, इसीलिए मैंने भी स्याह कपड़े पहने हुए हैं। अच्छा। और ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी रियासत की तकसीम की बुनियादें
कबायली 22 अक्टूबर के कबायली हमले के नतीजे से यहाँ से उठी हैं। आज हम 22 अक्टूबर को 72 साल तारीख का बदला लेने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, हम एक मुद्दत से ये कहते रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर, ये जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की रियासत है, इसमें जो बैठे पाकिस्तान के सहूलतकार हैं, इन्होंने इस वतन को तकसीम भी किया, इस वतन को तबाह बर्बाद भी किया। आज हम हज़ारों की तादाद में यहाँ जमा होकर ये मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को भी, आज़ाद कश्मीर के इन सहूलतकारों को भी और दुनिया भर को कि हम अब ये नहीं चलने देंगे। कश्मीर का ये हिस्सा जो आज भी पाकिस्तानी जुल्म व सितम से कराह रहा है, 1947 में पीओके में चला गया था। आज वही हिस्सा आज़ादी की मांग के साथ उठ खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान ने अपना हक अपने हिस्से पर जता दिया है। जिस दिन भारत ने तय कर लिया, वो दिन पाकिस्तान के पीओके पर कब्जे का आखिरी दिन होगा, और तब उस पीओके में होली के रंग भी उड़ सकते हैं, दीपावली के दिए भी जल सकते हैं। प्रकृति के रंगों ने भी यहाँ बंटवारा कर रखा है। आप देखिए, जो पीछे आपको हल्के गाढ़े रंग की पहाड़ी दिख रही है, जो काले रंग की पहाड़ी दिख रही है, वो पाकिस्तान की पहाड़ी है। और उसके भी अगर आप स्लोप्स पर देखेंगे तो आपको गांव साफ साफ नजर आएंगे उनके। अब भारतीय सेना अगर अपनी पहाड़ियों से वहाँ निशाना साधती है तो नागरिकों के गाँव पर भी साध सकती है, लेकिन वो ऐसा करती नहीं है। भारतीय सेना ने इस पहाड़ी के उस ओर जो टेरर कैंप्स हैं, जो टेरर लॉन्च कैंप्स हैं, वहाँ पर उसने निशाना साधा और पाकिस्तान के गांव पर बिल्कुल भी आक्रमण नहीं किया। लेकिन यहां पाकिस्तान को साफ साफ नजर आ रहा था कि ये भारत के गांव हैं, उसके बावजूद यहां पर गोलाबारी की गई। जिहाद की जमीन पर आतंक की फैक्ट्री चलाने वालों के दिन अब लद गए, क्योंकि अब की दिवाली संकल्पों वाली और लगा है कि अगली दिवाली पीओके वाली होगी। जैसे कि सर्व समिति से सदन ने भी माना हुआ है, वो इतना ही है कि किस प्रकार पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे से मुक्त करा करके पुनः भारत को, और हम सब आइए मिलकर के दुआ करें कि जिस प्रकार परमात्मा ने हमें अपने जीवन काल में ये दिन देखने का अवसर दिया, वो दिन देखने का भी अवसर दे जिस दिन गुप्ता साहब वापस मीरपुर जा सके। पाकिस्तानी जंजीरों में जकड़ी पीओके की आजादी का काउंटडाउन शुरू हो गया, क्योंकि भारत में ये दिवाली शुभ संयोगों वाली है, 27 अक्टूबर की तारीखों के शुभ संयोग वाली। हम एक बार फिर आपको ये सारे संयोग बताते हैं। 27 अक्टूबर यानी इस साल दीपावली का दिन, 27 अक्टूबर 1947 यानी वो दिन जब भारतीय सेना ने कश्मीर में पहली बार कदम रखा था और कबायलियों के अत्याचार पर पूर्ण विराम लगा दिया था, 27 अक्टूबर यानी भारतीय सेना का इन्फेंट्री डे। पाकिस्तानी जुल्म से छटपटा रही पीओके के लोगों की आजादी अब ज्यादा दिन दूर नहीं, क्योंकि ये दिवाली कश्मीर को नई रोशनी देने वाली है। When Article 370 was introduced with the word temporary, there was no objection from Pakistan. Therefore, why is it that Pakistan has suddenly awoken up and has raised the ante on Article 370? It is because this illegal territory which has been occupied by Pakistan, illegally occupied by Pakistan, is not controlled by the Pakistani establishment. It is controlled by terrorists. POK is actually a terrorist-controlled country or a terrorist-controlled part of Pakistan. हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, ये भारत पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल का वो इलाका है जिसे पाकिस्तान लगातार पिछले कुछ दिनों से टारगेट कर रहा है। लेकिन यही वो इलाका है जहां से उसे मुंह की खानी भी पड़ रही है। यहीं से भारतीय फौज ने उसे सबक सिखाते हुए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के टेरर लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया है। 5 अगस्त के बाद से ही लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध युद्ध की रट रही, अब फिर पाकिस्तान अपनी तरफ से एक बार फिर परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच उसे मालूम है कि खोखली धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है,
पाकिस्तान को अपने आतंक के ढांचे को खत्म करना ही होगा। पीओके में आतंक की फैक्ट्री से जितने आतंकी निकलने थे वो निकल चुके, अब उस पर परमानेंट ताला लगाने का समय आ चुका है। फौजी वर्दी के तलवे चाटने वाली पाकिस्तानी हुकूमत जितनी चालें चल सकती थी वो चल चुकी, अब अंतिम मात देने की तैयारी भारत कर चुका है। आतंकी मानसिकता को जितना जिहादी च्यवनप्राश चटाया जा सकता था, अब उसका वक्त भी खत्म हुआ। पीओके आजादी मांग रहा है और भारत उसकी आजादी की तरफ बढ़ चुका है। पिछले 5.5 सालों में बहुत कुछ बदला है। पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब भारतीय सेना कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी एयर स्ट्राइक या तंगधार में बदले में पाकिस्तान की चौकियों को तबाह करके लेता है। भारत का संकल्प है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाकर अभिन्न अंग को सही मायनों में पहले अभिन्न अंग बनाया और अब पीओके को भी एक दिन पाकिस्तान के कब्जे वाली बाउंड्री हटाकर भारत के मानचित्र पर वापस ठीक से सजाना है। इसके लिए चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, चाहे जो कदम उठाना पड़े। पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी एक्सपेक्ट वन डे दैट इट विल वी विल हैव द ज्यूरिसडिक्शन, फिजिकल ज्यूरिसडिक्शन ओवर इट। दिवाली से चंद दिन पहले तंगधार में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 2 जवान शहीद किए थे। बदले में भारत ने तोप के गोलों से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उसके लगाए आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया। कम से कम 4 आतंकी लॉन्च पैड नीलम वैली में तबाह कर दिए गए। इन गोलों की आवाज को अगले साल पीओके वाली संभावित दीपावली की एडवांस में बधाई माना जा सकता है, क्योंकि बढ़ते कदम भारत के अब रुकने वाले नहीं और पीओके के मामले में अब भारत के बुलंद हौसले झुकने वाले नहीं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाया हुआ है, क्या आप उसके पीछे की असली वजह जानना चाहते हैं? आइए पाकिस्तान के पीओके वाले डर का पोस्टमार्टम करते हैं। आपको बताते हैं कि पीओके क्या है और उसकी मौजूदा स्थिति क्या है। पीओके क्यों भारत का अभिन्न हिस्सा है? द जम्मू एंड कश्मीर एज अ होल इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड व्हेन वी से द जम्मू एंड कश्मीर, द कंप्लीट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हिच इंक्लूड्स पीओके एंड गिलगित बाल्टिस्तान, देयरफॉर पीओके एंड गिलगित बाल्टिस्तान becomes an occupied territory, a territory which has been illegally occupied by a western neighbor. 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा किया। कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांटा, एक को आजाद कश्मीर कहा जबकि दूसरे को गिलगित बल्टिस्तान का नाम दिया। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, इस दौरान चीन ने लद्दाख के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया जिसे आज अक्साई चीन कहते हैं। मार्च 1963 में पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए पीओके के गिलगित बल्टिस्तान वाले हिस्से में से एक इलाका चीन को गिफ्ट कर दिया। ये करीब 1900 वर्ग मील से कुछ ज्यादा था। इस तरह से जब पीओके की बात होती है तो उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर गिलगित बल्टिस्तान के साथ साथ चीन के कब्जे वाला क्षेत्र भी आता है। माननीय एक मुद्दा किया उठाया गया कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार अगर जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराना है तो उसके 3 कदम होने होंगे। सबसे पहले पाकिस्तानी सेना को वो पूरा इलाका खाली करके पीछे हटना होगा। दूसरे क्रम पर भारतीय सेना को आगे बढ़कर उन सभी चौकियों को टेकओवर करना होगा। सैनिकों की संख्या
कम जरूर की जाएगी, लेकिन इतनी संख्या में रखे जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बहाल रहे। और तीसरे नंबर पर होगा जनमत संग्रह को कराना, लेकिन अब इस जनमत संग्रह के कोई मायने नहीं रह गए, क्योंकि 1971 के शिमला समझौते के बाद सभी पुराने समझौते बेमानी करार दिए गए। तो फिर क्या यह अतिशयोक्ति है कहना कि अगली दिवाली पीओके वाली हो सकती है? 1994 में भारत की संसद ने पीओके सहित पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित किया था। आज भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें खाली रखी जाती हैं। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगित को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो, ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। बातचीत पाकिस्तान से होगी नहीं, अगर मान लिया जाए कि हो भी सकती है तो तय है कि उससे कोई नतीजा निकलेगा नहीं। ऐसे में पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने के क्या रास्ते हो सकते हैं? पहला रास्ता पूर्ण युद्ध का, दूसरा रास्ता अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप का। भारत का संपूर्ण इतिहास गवाह है कि बुद्ध को मानने वाले भारत ने कभी किसी पर पहले युद्ध नहीं किया। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947-48, 1965, 1971 और 1999 में 4 युद्ध हो चुके हैं। हर युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की, लेकिन उसे खत्म भारत ने जीत के साथ किया। ऐसे में अगर पाकिस्तान एक और युद्ध की भूल करता है तो इस बार भारत कम से कम पीओके वापस तो ले ही लेगा। तंगधार के इस पूरे इलाके को समझना भी जरूरी है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर इस तरीके से उलझा हुआ है कि यहाँ पर आपको वो तार भी नहीं नजर आएंगी, आपको कुछ दूरी पर पाकिस्तान के घर नजर आएंगे तो हिंदुस्तान के घर दूसरी तरफ शुरू हो जाते हैं, यानी जद में रहते हैं दोनों देश के जो लोग हैं एक दूसरे के, और साथ ही दोनों की सेनाएं भी। कहीं पर ऊंची पहाड़ी पर अगर भारत के पोस्ट्स हैं तो वहां पर भारत का दबदबा ज्यादा रहता है, और पाकिस्तान की जहां पर ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा है वहां पर उसका दबदबा ज्यादा रहता है। लेकिन भारतीय फौज का पराक्रम ऐसा है कि बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। तंगधार का ये जो पूरा इलाका है, यहां पर 47-48 के युद्ध में पराक्रम नजर आया था भारतीय सैनिकों का, तो 1965 के युद्ध में भी यहाँ पर एक्शन देखने को मिला था। लेकिन अब पाकिस्तान अगर इस इलाके को सुलगा रहा है तो उसे ये भी समझना चाहिए कि भारत ने यहाँ पर भारी तोपों की, भारी आर्टिलरी की यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर लिया है, और इसी वजह से यहाँ पर सीमा के इस तरफ बैठ कर, पहाड़ी के उस पार है नीलम वैली, जहाँ पर हर एक इलाके में आप जो 3 लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं भारत की तरफ से, वो इसी इलाके में है। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होता है, बहुत सुरक्षा बरतनी होती है, और इसी वजह से हमें इस इलाके में रहते हुए ये समझ के कि हम पाकिस्तान के गोलों के गोलियों की जद में हैं, हमें भी यहाँ पर पूरे प्रोटेक्शन के साथ बैठना पड़ता है। जब पूरा हिंदुस्तान दीपावली मना रहा है,
तब पीओके पाकिस्तानी जुल्म के अंधेरों में अपने हिस्से की रोशनी के लिए तरस रहा है। जहां हिंदुस्तान का कश्मीर शांत है, वहां रौनकें हैं। छोड़ दो, मदकराची तोड़ दो, जम्मू कश्मीर छोड़ दो, मदकराची तोड़। वहीं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मातम है, गम है, गुस्सा है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि वहां पाकिस्तान के खिलाफ किस कदर गुस्सा है। बाईस अक्टूबर को पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ब्लैक डे मनाने सड़कों पर उतरे थे। पिछले 72 सालों से हर साल 22 अक्टूबर को पीओके में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। इसी दिन 1947 में पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर में घुसपैठ की थी। किस्मत देखिए कि पीओके के ऊपर पाकिस्तान का अंधेरा छाया, तो अब तक वहां के लोगों को खुशियों के उजाले नसीब ही नहीं हुए। इस बार ब्लैक डे मनाने जब पीओके के लोग सड़कों पर उतरे तो निहत्थे लोगों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गोलियां चला दी। भागते हुए लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, लोग मारे गए, कई लोग खून में नहाते चले गए। ये तस्वीरें एक दिन की जरूर हैं, लेकिन ये पिछले 72 सालों का पीओके का मुकद्दर भी है। जुल्म, जोर, जबरदस्ती पीओके का वो नसीब है जिससे वो अब मुक्ति चाहता है। वैसे भी भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि जो जन्मा है उसका अंत भी होता है। पाकिस्तान के जन्म की तारीख दुनिया को पता है और भारत की संस्कृति तब से है जब से मानव सभ्यता के निशान मिलते हैं। आज नहीं तो कल पीओके को हिंदुस्तान में मिलना ही है, और जिस दिन वो दिन आएगा उस दिन पीओके भी झूम कर दीपावली मनाएगा। भारत की तैयारी पूरी है? पाकिस्तान जैसे पड़ोसी को बहुत ज्यादा सीरियसली तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसकी इस तरह के उत्पात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत।